प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, ये संध्याकाल के समय के लिए। मैं पिता परमेश्वर की आभारी हूँ कि पिता परमेश्वर ने अब तक मुझको जीवितों की भूमि में रखा है, ताकि मैं पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूँ और परमेश्वर के नाम की पूरे तरीके से, अपनी बुद्धि से नहीं पर आत्मा से मैं परमेश्वर के अधीन होती हूँ, और परमेश्वर के वचनों को मैं अपनी बुद्धि से उसका वर्णन ना करने पाऊँ, बल्कि पवित्र आत्मा जिस तरीके से भी मुझको गाइड करता है उस तरीके से मैं परमेश्वर के वचन को सबके सामने पेश करने वाली हो सकूं। और मैं सबसे पहले तो परमेश्वर से यही दुआ करूंगी कि ये जो वचन है वो वचन मैं दूसरों के लिए नहीं परंतु मैं मेरे लिए कहती हूँ ये वचन है, क्योंकि मुझको बदलना बहुत ज़रूरी है। और बदलना ये प्रक्रिया ये निरंतर हमारे जीवन में चलती रहती है। जब तक हम इस दुनिया में हैं निरंतर हम बदलते रहते हैं, निरंतर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, कई बार हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पाप से अनभिज्ञ नहीं हैं, हम जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें वो क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या परमेश्वर को भाता है और क्या परमेश्वर को नहीं भाता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। और फिर भी कई बार हम जानबूझकर पाप के गर्त में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर से पूरे तरीके से पवित्र आत्मा को मांग लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा के ज़रिए मुझसे बात करे और मेरा संचालन करे। मैं हमेशा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने जिस तरीके से हमने पिता परमेश्वर से रिक्वेस्ट की कि हमें पूरे तरीके से बिज़ी रखे, और सचमुच में परमेश्वर ने हमको पूरे तरीके से बिज़ी कर दिया है कि हम पिता परमेश्वर के वचनों में अपने आप को पूरे तरीके से तल्लीन करके रखना चाहते। मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों के बीच में कोई दुविधाएं नहीं आती, आती है ना, बहुत दुविधाएं आती है, कई दुविधाएं तो ऐसी होती है जो सॉल्व करना नामुमकिन है, पर पिता परमेश्वर जो हमें थोड़ी ही देर के बाद में सहारा देता है और पिता परमेश्वर हमें पूरे तरीके से अपनी बाहों में उठा लेता है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है, और ये चीज़ का अनुभव हम करते हैं। और मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहती कि कोई किसी का न्याय मैं करूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि न्याय करना मेरा काम है। हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? परमेश्वर जानता है कि मुझ में क्या कमी है, और परमेश्वर उन चीज़ों से मुझको बखूबी बाहर निकालने की कोशिश करता है। और मैं पिता परमेश्वर का ही धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझको ऐसे अनेक लोगों से विभूषित किया है। हमारे पेज पे ही ऐसे लोग हैं जो हमको हर तरीके से पूरे तरीके से सहयोग करते हैं, पूरे तरीके से हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। उन सब के लिए मैं परमेश्वर के तरफ से उन सबको धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, जो जो यहाँ पर उपस्थित है हर एक को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, मेरे जीवित और महान परमेश्वर। इस समय के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आज दिन भर पिता परमेश्वर आप मेरे साथ में रहे। और जब पिता परमेश्वर मैं आपके वचनों का मनन कर रही थी, जब मैं आपके वचनों का चिंतन कर रही थी, उस समय पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा ने किस तरीके से हमको वो वचन को पेश करना है, ये जो पवित्र आत्मा के सहायता से पिता परमेश्वर हमने वचन को बनाया है, वचन के द्वारा हम जो बोलना चाहते हैं वो पिता परमेश्वर हम बुद्धि से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपके वचन को बोलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आजकल के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो समय में पिता परमेश्वर अनेक तकलीफ़ों से हम गुज़रते हैं, अनेक कष्टों से हम गुज़रते हैं। और पिता परमेश्वर जब मनुष्य अकेला होता है तो उस समय उसकी तकलीफ़ें वही जानता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिस तरीके से चिंताएँ, जिस तरीके से आत्मग्लानि हमको पिता परमेश्वर से अलग करना चाहती है, अपने ही लोग हमको परमेश्वर से अलग करना चाहते हैं, पर मेरा पिता परमेश्वर उसका मैं लाखों को लाख धन्यवाद देती हूँ पिता, कि मुझे इस माया जाल से वह बचा के रखता है। सांसारिक पिता परमेश्वर चीज़ों से मुझको अलग ले जाता है,
क्योंकि मेरा पिता कहता है कि सांसारिक चीज़ें यही रह जाएगी, हम कुछ भी चीज़ संसार की अपने साथ में नहीं ले जाएंगे पिता। जो भी कुछ हम ले जाएंगे पिता परमेश्वर, वो केवल और केवल आत्मिक चीज़ें ही हमारे साथ में जाएगी। हमारा शरीर ज़रूर नष्ट हो जाएगा पिता, पर हमारी आत्मा जो आपके द्वारा दी गई है, क्योंकि आपने अपने स्वरूप में हमको बनाया है, हमारे नथुने पे पिता परमेश्वर आपकी श्वास फूकी गई है पिता परमेश्वर। हम ये जानते हैं पिता, आपके डीएनए से हम बने हुए हैं पिता, और इसलिए पिता परमेश्वर विपत्तियां हमारा दामन नहीं छोड़ती, दुख हमारा दामन नहीं छोड़ते, बल्कि और भी तेज़ी से पिता परमेश्वर ऐसी पिता परमेश्वर परिस्थिति सामने आती है पिता परमेश्वर, जो ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति कभी सॉल्व नहीं होगी, पर मेरा पिता परमेश्वर उन सब चीज़ों से मुझको बाहर निकालता है, उन सब चीज़ों से मुझको पूरे तरीके से शांति देता है। और जो वचन को पिता परमेश्वर हम बोलते हैं, उस समय ज़रूर पिता परमेश्वर परेशानियां होती है, पर मेरा पिता परमेश्वर उन परेशानियों से मुझको बाहर ले जाता है, और मेरे मुख से, मेरे द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बातें करता है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए, जो पिता परमेश्वर सदैव पिता परमेश्वर हमारे साथ में खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे अपने नहीं थे उन्हीं लोगों ने पिता परमेश्वर मुझको बचाया है, और परमेश्वर के प्रेम से उन्होंने मुझे अपने गले लगाया है, और हर परिस्थितियों में, हर दुख की घड़ी में, हर पिता परमेश्वर ऐसी घड़ी में जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, यही लोग हैं पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर के वचन को लेकर हमारी सांत्वना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उन सब के लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे सच में पिता परमेश्वर दिलो जान से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लोगों की फौज आपने हमारे इर्द गिर्द पिता परमेश्वर खड़ी करके रखी है, और संसार के लोग पिता परमेश्वर, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, वो पिता परमेश्वर परमेश्वर के वचनों से हमसे बातचीत करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। और ये सब कुछ परमेश्वर की इजाज़त से होता है, परमेश्वर ने ही उन लोगों को हमारे लिए पिता परमेश्वर वचन के रूप में, वचन के रूप में जो वो हमारी सांत्वना करते हैं, हमारा ढाढ़स बंधाते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, और उन सब के लिए परमेश्वर के नाम से हम आशीषों को मांग लेते हैं पिता। ये जो वचन हम आज जो बोलने जा रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि इसमें मेरी कहीं बुद्धि न लगे, इसमें मेरी कहीं शक्ति न लगे, मेरे मुख से मैं केवल और केवल मेरे जीवते परमेश्वर को, एकमात्र परमेश्वर को, और अल्फा और ओमेगा को, आदि और अंत को मैं केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकूं पिता, केवल धन्यवाद रूपी बलिदान मैं आपको चढ़ा सकूं पिता। आपके अमूल्य वचन से जो भी कुछ मैं बोलूं पिता परमेश्वर, उसमें कहीं पे भी मेरी होशियारी ना हो पिता, बल्कि जैसा आप मुझको बोलने के लिए प्रेरित करें, जिस तरीके से आप मुझको बोलने के लिए अगुवाई करें, उस तरीके से पिता परमेश्वर मैं आपके वचनों को बोने वाली हो सकूं पिता। पिता परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए, और जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन देखेंगे उनके भी लिए पिता परमेश्वर वो सारी आशीषों को मांग लेते हैं, जो पिता परमेश्वर वो ऑफलाइन सुनेंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से मामूल करिए पिता। सारी विनती को पिता परमेश्वर हम अपने पवित्र 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 ईशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको, ब्लैकस्टोन परिवार का भी धन्यवाद हो, अनुपम भैया का भी धन्यवाद हो। आज जो मैंने परमेश्वर के इबादत के लिए जो वचन लिया है, वो मैंने साम 125 लिया है,
भजन संहिता 125, परमेश्वर की लोगों की सुरक्षा है। बहुत छोटा परंतु बहुत ही अर्थपूर्ण है। केवल 1 से लेकर 5 ही वचन उसमें हैं, पर वो बहुत ही अर्थपूर्ण वचन है। परमेश्वर के वचन जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, वो किसी न किसी के लिए एक प्रेरणा बनता है। जैसे आज मुझे परमेश्वर ने 125 चैप्टर दिया। मैं कभी भी प्लानिंग नहीं करती कि मैं किस विषय पे बोलूँगी। जैसा परमेश्वर मुझको चलाता है उस तरीके से मैं परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उस वचन के अनुसार मैं बोलना चाहूँगी। और जब मैं बोलती हूँ, आप लोग सब मुझे अपनी अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, ताकि मैं जो भी बोलूँ वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बोलने वाली हो सके। हम सबसे पहले भजन संहिता 125 के पहले हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17:7-8, यिर्मयाह 17:7-8। उसमें लिखा हुआ है, भजन संहिता के पहले पढ़ेंगे हम, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगी हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो धार्मिक लोगों के जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो निराश हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ परिस्थितियों से निराश हो जाते हैं, जो परिस्थितियां जानबूझकर अपने ही लोगों के कारण सामने आती है, क्योंकि हर एक परमेश्वर का जो जन है वो असली चेहरा रखता है, और जो परमेश्वर से दूर है वो नकली चेहरा रखता है। असली जो लोग हैं, परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं और परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, चाहे कितनी भी दुख की घड़ी उनके सामने क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी चिंता उनके सामने क्यों ना आ जाए, पर परमेश्वर का जो व्यक्ति होता है, उसकी जो जड़ है, उसका जो पाया है या उसकी जो प्लिंथ है, वो परमेश्वर के अनमोल वचन में और परमेश्वर के जीवन के जल में पूरे तरीके से सरोबार डूबी रहती है। जरूर परिस्थितियों से 2 मिनट के लिए वो निराश होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य हैं। 2 मिनट के लिए रो देते हैं, आंखों से आंसू कई बार आ जाते हैं, पर हम ये जानते हैं कि हमारी जो प्लिंथ है, हमारा जो पाया है वो मजबूत है, क्योंकि वो पाया हमारा परमेश्वर ने डाला है। परमेश्वर ने उसकी नींव रखी है, परमेश्वर ने हमको संभाला है, और वो उस भूमि पे है, उस चलती हुई नदी के पास में है, जो निरंतर फलता फूलता रहता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लोगों को तकलीफें नहीं होती, परमेश्वर के लोगों को तो बहुत तकलीफें होती है, पर हम जानते हैं हमारा सहारा एकमात्र अपना जिंदा खुदाबंद है। जो हमें छोड़कर चला गया वो हमें छोड़कर चला गया, हम उसके लिए दुख ना करें, ये बाइबल कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो छोड़कर चला गया वो परमेश्वर के पास में बहुत खुश है, परमेश्वर के साथ में वो बहुत खुश है और परमेश्वर की इबादत में लगा हुआ है। हम तो संसार में क्लेश भोग रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि हमारी नींव भी जब मजबूत चट्टान पर खड़ी होती है, जो चट्टान हमारा यीशु मसीह है, जो चट्टान मेरा परमेश्वर है,
थोड़ी देर के लिए तकलीफ जरूर होती है, परंतु वो ऐसा फलता फूलता है, इस तरीके से वो फलता फूलता है, उसके पास में कभी भी परमेश्वर के वचनों को मैं कहाँ बोलूँ, या परमेश्वर के वचन अगर यहाँ से नहीं मिल रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से वो दिन को ख़त्म कर देती हूँ, या वो दिन मेरे लिए सूखा होता है। नहीं नहीं, परमेश्वर ही है जो हमारे मार्गों को खोलता है। एक बार अगर परमेश्वर ने बोलने की संधि हमको दी है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बोलने से ज़्यादा जो सुनने वाले यहाँ पर हाजिर होते हैं, जो वचनों को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, वचनों को सुनने के लिए एंग्शियस होते हैं, वचनों को सुनने के लिए अपनी दिनचर्या से वो समय को निकालते हैं, इस समय तो टीवी पे कई प्रोग्राम्स होते हैं, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन को महत्व देता है और वो आशीषों को पाता है, और उसके जो वचन रूपी झाड़ जो उनके जीवन में लगता है वो बहती नाली के किनारे, बहती नदी के किनारे लगता है। जब हमारे पास से ये वचन छीन लिया जाएगा ना, तब हमको बाइबल की कीमत समझेगी। आज तो हमारे पास में बाइबल है, आज तो हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर ऐसे सूखे वर्ष भी आएंगे जब हमारे पास में बाइबल नहीं होगी, परमेश्वर का वचन हमसे छीन लिया जाएगा, तब तकलीफों में से अनेक संकटों से हम गुजरेंगे, उस समय भी जो हमारा झाड़ बहती नदी के किनारे लगा हुआ है वो हमको पूरे तरीके से फलवंत करेगा, क्योंकि उसकी नींव जो है वो परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर ने उसकी नींव को रखा है। इसलिए हमको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि जब ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी, वैसा होगा तो मैं क्या करूँगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ, उपदेश देने वाला ज़्यादा दोषी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं कह रही, उपदेश देने वाला ज़्यादा दोषी है, उसको अपने आप को संभालना बहुत कठिन हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में, जब झूठे लोग हमारे साथ में होते हैं, झूठी बातें का प्रचार करते हैं और लोग भी उन पर विश्वास करते हैं, परंतु हमारा भरोसा केवल और केवल एकमात्र जीवते खुदावंत पे है, जो हमको हमेशा जीवन का जल देता रहता है, हमको नया जन्म देते रहता है, पुराने व्यक्तिमत्व से हमको अलग ले जाता है, नए व्यक्तिमत्व से हमको शोभायमान करता है। वैसे परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की हम संतान हैं। क्या भाग्य है हमारा कि हमारा पिता हमारे दामन को कभी नहीं छोड़ता, हम ज़रूर उसको छोड़ देते हैं, ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वो करना है, वो करना है, प्रॉपर्टी का काम है, इसका काम है। अरे किस काम की वो प्रॉपर्टी जो परमेश्वर का सुख न दे सके, परमेश्वर से अलग कर दे। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, नाम मात्र का क्रिश्चियन होता है, वो झाड़ नदी के किनारे नहीं लग सकता, वो झाड़ हमेशा सूखा होगा। अंजीर का पेड़ का दृष्टांत हम जानते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ हरा भरा दिखने से नहीं होता, उसमें फल नहीं थे, और इसके कारण यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। परंतु हम उस माली की संतान हैं, वो माली जो अपने परमेश्वर से, वो माली यीशु रूपी माली जो अपने पिता से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहता है, एक साल और दे दे पिता, एक वर्ष और दे दे पिता, ताकि मैं इस बंजर भूमि में फसल को उपजाऊं। वो पिता के हम संतान हैं, वो परमेश्वर की मैं संतान हूँ,
हम सब वो परमेश्वर की संतान हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं अपने सब चीज़ों का, अपने एंटरटेनमेंट का, अपने घूमने फिरने का, अपनी जीवन के काम का, कि नहीं मुझे तो खाना बनाना है, अभी मेरा पति आ जाएगा वो मुझसे खाना मांगेगा। वो सब चीज़ों को बाजू में रखकर वो केवल और केवल परमेश्वर के पास में आना चाहते हैं, और परमेश्वर ने उनकी भूख को देखी है, उनकी प्यास को परमेश्वर ने देखा है, और उनकी भूख और प्यास को परमेश्वर कभी भी सूखा नहीं रखेगा। मेरे प्रियों, कभी भी उनको सूखा नहीं रखेगा। अब हम चलते हैं भजन संहिता 125 का पहला वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर ट्रस्ट रखता है, भरोसा रखता है, वे सियोन पर्वत के समान है। सबसे पहला है पॉइंट, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। नंबर दो है, वो सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, जो इधर से उधर हिलता नहीं। नंबर तीन, जो टलता नहीं। और नंबर चार, वरन सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। पिता परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि कुछ साल के लिए बना रहता है, वो सदा बना रहता है। जो परमेश्वर के निज लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर की चुने हुई प्रजा है, परमेश्वर उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, उनकी सुरक्षा का वचन देता है परमेश्वर। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जो परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, और वही पवित्र आत्मा हमको कायल करती है कि नहीं, तेरा यह समय परमेश्वर के लिए है। तू परमेश्वर की चुनी हुई बेटी है, तू परमेश्वर की चुना हुआ बेटा है, तू परमेश्वर की निज प्रजा है। और इसलिए हमारा पिता परमेश्वर रोज हमको नहीं बुलाता चर्च में कि तुम रोज चर्च में आओ, वो तो केवल एक संडे को बुलाता है। बाकी ये जो काम है, ये तो हमको करना ही करना है। डेली मन्ना तो हमको खाना ही खाना है, जिस तरीके से हम अपने खाने को कभी नहीं छोड़ते, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को स्नैक्स, रात को खाना, खाना 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 खाना। पर हम आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, क्या वो आत्मिक मन्ना को खाकर हम सियोन पर्वत के समान स्थिर हो सकते हैं? हमारा परमेश्वर का विश्वास सियोन पर्वत के समान स्थिर हो सकता है? हो सकता है, अगर हम परमेश्वर की निज प्रजा है, अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। लोग हमारे बारे में चाहे कितनी भी गलत बातें बोले, मेरा पिता जानता है ना कि सच्चाई क्या है, मैं क्यों किसी को एक्सप्लेनेशन दूं? मैं अगर किसी को एक्सप्लेनेशन दूंगी तो वो केवल मेरे जीवते खुदावंत को दूंगी, जो मेरी समस्याओं को समझता है। और वो कहता है कि तू मेरी बेटी है बेटा, तू मेरा बेटा है, तू मैं तेरी सुरक्षा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तुझे मैंने पवित्र आत्मा दे रखी है, जो पवित्र आत्मा के जरिए मेरा पिता मेरे साथ में रहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि मैं किसी के लिए परेशान हो जाऊं। होता है, मनुष्य है, मनुष्य की परेशानियां होती है टाइम बीइंग, फिर परमेश्वर अपने पास में हमको खींच लेता है जो परमेश्वर के जन है, और अपनी असीम शांति जो समझ से परे है वो हमको देता है। और परमेश्वर ने हमारे साथ में वाचा बांधी है कि वो हमेशा हमारे साथ में सर्वदा बना रहेगा। थोड़े दिन के लिए बना रहेगा नहीं लिखा है,
थोड़े दिन के लिए तो मनुष्य बना रहता है हमारे साथ में, आज है कल वो हमको छोड़ के चला जाता है, और वो तो अनंत जीवन के लिए चला जाता है। हम तो अभी संसार में ही हैं, और संसार में ही हमको अनंत जीवन के लिए मार्ग तैयार करना है, और तब परमेश्वर जो हमारे साथ में सदा बना रहता है पृथ्वी के अंत तक, वो ना हमको कभी छोड़ेगा और ना ही वो हमको कभी त्यागेगा। ये परमेश्वर का वचन है, हमारे साथ में वाचा है ये परमेश्वर की, जो परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा को नहीं तोड़ता। एक बार उसने कह दिया कि मैं सर्वदा तेरे साथ में रहूंगा, चाहे मैं अपने दरवाजे को, हृदय रूपी दरवाजे को बंद भी करके रखूं, ठकठकाता रहेगा, ठकठकाता रहेगा कि मेरे लिए तू दरवाजा खोल। परंतु अगर हमने अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोल भी दिया, परंतु अगर हम उसमें सदा बने नहीं रहते हैं, तो हम उसको पैरालाइज्ड कर देते हैं, अपने हृदय में हम उसको पैरालाइज्ड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल मेरे लिए नहीं है कि वो हमारे साथ में सदा बना रहेगा पृथ्वी के अंत तक, वो ना हमको छोड़ेगा ना वो हमको त्यागेगा। वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो तो हर किसी के लिए है, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। जिस तरीके से यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया, जिस तरीके से यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान केवल मसीहियों के लिए नहीं दी, हर एक जीवित प्राणी के लिए दी। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चीज़ों को, अपने आत्मिक बातों को, आत्मिक ज्ञान को हम दूसरों को बांटें। ये मेरा सौभाग्य है, ये परमेश्वर का एक मेरे लिए दान है कि मेरे पास में परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को भेजता है कि वो किसी न किसी बहाने मुझको यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं, और मुझे एक संधि मिल जाती है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। मेरी लड़की ने मुझसे कहा कि मम्मी, हम भी अपने सहेलियों से बहुत परमेश्वर की बातें करते हैं, उनको सब बताते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा, हमारा परमेश्वर ऐसे, परंतु बोले उन लोग कभी भी अपने मन को नहीं बदलते, और वो दूसरी बात जब फ़ोन करते हैं तो ये परमेश्वर के बारे में नहीं बोलते, वो अपने भगवान के बारे में मेरे को बताने लग जाते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि मम्मी, आपके पास में ऐसे लोग खुद चलकर आते हैं। वो मेरे पास में खुद चलकर नहीं आते प्रियो, परमेश्वर की योजना है वो। परमेश्वर हर एक काम के लिए अलग 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 लोगों को चुनता है, ऐसा नहीं कि वो दूसरों को छोड़ देता है, नहीं, हर एक के लिए परमेश्वर ने अलग 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 नौ विभिन्न वरदान को रखा है, और वो हर एक को कोई ना कोई वरदान से पूरे तरीके से, पूरे तरीके से बांध के रखता है। अगर मेरे में ये, अगर परमेश्वर ने ये दिया है, तो मेरी लड़की को ये दान दिया है कि वो बहुत शांत नेचर की, और बहुत ही, यानी मैं उसकी तारीफ नहीं करती, तारीफ एक काबिल है, पर वो ऐसी संतान मुझको परमेश्वर ने दी है, ऐसा पति मुझको दिया जिसने मुझको परमेश्वर की राह दिखाई, परमेश्वर क्या है ये मुझको समझाया, परमेश्वर के साथ में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से चर्च को महत्व देना है, पहली पायरी मेरे पति ने मुझको सिखाई, और आज उसी के कारण मैंने आत्मिक उन्नति की है। तो हम अभी देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने से हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, और हमारे द्वारा काम करवाती है। ये सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के लिए काम करना सिखाते हैं। परमेश्वर के लिए हम ऐसे ऐसे काम करने को तैयार हो जाते हैं कि हम अपनी सुख सुविधाओं को भी बाजू में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मार्गदर्शन हमारा खुदा कर रहा है,
हमारा जीवता खुदावंद हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जैसो, प्रेज द लॉर्ड, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और लिखा हुआ है कि जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे रहते हैं, वैसे ही वह अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर युगानुयुग तक बना रहेगा। युगानुयुग तक पहाड़। अब आप बोलेंगे ये पहाड़ का क्या मतलब है, क्योंकि बाइबल में कई जगह पहाड़ का वर्णन किया गया है। हम कई जगह बाइबल में, नए नियम में भी और पुराने नियम में भी, बाइबल में पहाड़ों का उल्लेख देखते हैं। तो ये जो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, पहाड़ यानी एक शक्ति होती है जो इधर से उधर नहीं हिला सकते हम उसको, हम उसको यहाँ से ले जाकर वहाँ पे नहीं रख सकते वो पहाड़ को। वो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की विश्वसनीयता है हमारे साथ में, जो हमको अटल विश्वास करना सिखाता है। परमेश्वर की शक्ति हमको परमेश्वर पे अटल विश्वास करना सिखाती है, अटल, जो टलने वाला नहीं। पहाड़ जिस तरीके से नहीं टलता, उसी तरीके से हमारा विश्वास भी कभी नहीं टलेगा। पहाड़ की तरह हम परमेश्वर पे अटल विश्वास रखेंगे और उसकी तरह हम शक्ति रखेंगे। हमारा जो मनुष्यत्व है वो पुराने मनुष्यत्व की ओर नहीं जा सकता। हम जो पुराने मनुष्यत्व में हैं, वो पुराना मनुष्यत्व हमको छोड़ता नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो हमको छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए ज़रूर वो अटैक करता है, पर परमेश्वर का जो पहाड़ रूपी अटल विश्वास जो परमेश्वर ने हमको दिया है ना, थोड़ी ही देर बाद में हम उससे दूर हो जाते हैं, हम अपने विश्वास में फिर से मजबूत हो जाते हैं और उस अंधकार की शक्ति से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। ये केवल और केवल परमेश्वर के कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी शक्ति हमारे साथ में है, ऐसी हिलने नहीं वाली शक्ति हमारे साथ में है, जो पहाड़ के रूप में हमारे सामने सदैव हमारे सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी रहती है। ये जो ना हटने वाले के जो एक रूपक जो दिया गया है, वो प्रतीकात्मक स्वरूप का है। जिस तरीके से हम मत्ती 17 के 20 में देखते हैं, मत्ती 17 का 20, मेरे ख्याल से आज मैं आधा ही बोल पाऊंगी, हम कंटिन्यू करेंगे। मैं हमेशा देखती हूँ अनुपम भैया के, इसमें मेरे को कंटिन्यू करना पड़ता है, इतना इतना स्पिरिट, होली स्पिरिट इस पेज पे, मैं ये नहीं बोलती सभी पेज पे रहता है, सभी प्लेटफॉर्म पे रहता है, पर जहाँ मेरी शुरुआत हुई वो पेज अनुपम भैया का है। तो हम देखेंगे 17, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, 17:20 सॉरी हाँ, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। चेलों ने एकांत में पूछा उससे कि हम उसको क्यों ना निकाल, क्यों नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह कहते हैं, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के इतना भी क्यों न हो, तो तुम अगर इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि हम जाकर पहाड़ को बोले कि तू यहाँ से सरक जा, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, तू यहाँ से वहाँ, ये प्रतीकात्मक है, ये हमारे विश्वास को दर्शाता है कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। राई का दाना बहुत छोटा सा दाना है, बहुत छोटा सा दाना है, गोल है, जब वो गिरता है तो इधर उधर 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 लुढ़कता चला जाता है, परंतु वो जितना छोटा है ना, वो उतना कठोर है, हम उसको अपने उंगली से नहीं दबा सकते, वो राई के दाने को नहीं मसल सकते हम वो राई के दाने को। दिखने में तो छोटा है, बहुत छोटा है, परंतु उसको हम अपनी उंगली से नहीं मसल सकते। ऐसा ही विश्वास हमको परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा विश्वास हमारा परमेश्वर पर होना है। ये हम अपने अपने आप को देखें कि हमारा विश्वास क्या सचमुच में इतना मजबूत है। हम छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी परिस्थितियों से घबराते नहीं,
हमारा व्यक्ति जब चला जाता है हमको छोड़ के, हम थोड़ी देर के लिए सोचते नहीं कि मैं तो, मेरा तो ये आदमी मेरे से दूर चला गया। नहीं, वो तो परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की बुलाहट है। 21 का 21 वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, उसके आगे पढ़ेंगे हम, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वही हो जाएगा। हमारी समस्याएं जो हमारा दामन नहीं छोड़ती, जब हम परमेश्वर के वचन में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं, वो परिस्थितियां और हम पर हावी होने की कोशिश करती है, क्योंकि शैतान को मालूम है मेरी कमज़ोरी क्या है। शैतान जानता है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। मेरे फैमिली के लिए मैं कमज़ोर हो सकती हूँ, मेरे बच्चों के लिए कमज़ोर हो सकती हूँ मैं, मेरे नाती के लिए कमज़ोर हो सकती हूँ मैं, शैतान जानता है। और वो वहीं पे कुठाराघात करता है, वहीं पे वो विश्वास रूपी पहाड़ को हमारे पास से हटा सकता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास रखो और संदेह ना करो कि होगा या नहीं होगा। मेरे सामने जो परिस्थिति आई है वो ठीक होगी या नहीं होगी, या ये शब्द परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं। परमेश्वर कहता है विश्वास रखो, तो हमको विश्वास ही रखना है। ये सारे के सारे हमको पहाड़ रूपी, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, या नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। कोई चीज़ परमेश्वर के लिए असंभव नहीं, और वही परमेश्वर का दामन हमको थामना है, वही परमेश्वर का मार्ग हमको पकड़ना है। हम देखते हैं पहाड़ पर जाकर जितने भी कोई आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, पहाड़ पर क्या क्या नहीं हुआ। हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर से बात करता है, तो जमीन पर खड़े होकर बात परमेश्वर नहीं करते उससे। 40 दिन और 40 रात मूसा तो कई बार पहाड़ पर परमेश्वर के गया, 40 दिन और 40 रात भी वो परमेश्वर के साथ में ऊंचे पहाड़ पर परमेश्वर उससे बात करते रहे। मूसा ही था जो परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर बातें करता था। हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसको अपने आज्ञा में बना के रखा, और उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब रात के समय एकांत में जाकर टीलों पर प्रार्थना किया करते थे, क्यों नहीं करते थे वो कहीं पे भी बैठ के, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता ना, टीलों पर जाकर कोई रात के समय नहीं चढ़ता, वहाँ पर जाकर परमेश्वर प्रार्थना किया करते थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5 में जो हम पाते हैं यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। उसके बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा, बपतिस्मा के बाद में जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है, वो जंगल में ले जाए जाते हैं, परंतु उसका वचन 4 का 8, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, जहां से वो उसे कहता है कि मैं तेरा को ये सारा वैभव दिखाकर, ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा। इसलिए वो ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, ताकि वो संसार के वैभव को उसको दिखाकर उसके मन के जो परमेश्वर के प्रति उसकी जो भक्ति थी, परमेश्वर के प्रति जो उसका विश्वास था, उसको तोड़ सके। पर तुझे मुझे प्रणाम करना होगा। और उस समय परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को तोड़ लिया और कहता है कि हे शैतान, तुम उससे दूर हो जा। और उसी समय वह शैतान उसको छोड़कर चला जाता है। तो ये पहाड़ का जो महत्व है, ये मैंने आपको बताया।
और जब हमारा विश्वास ऐसा अटल होता है तो हमारे पास में चाहे कितनी भी मुसीबतें हमारे सामने क्यों ना हो, पर परमेश्वर हमको सही मार्ग पर ले चलता है, बशर्ते कि हम परमेश्वर के दामन को पकड़े रहें, परमेश्वर के हाथ को हम कभी ना छोड़ें, परमेश्वर के विश्वास पे हम अटल रहें, तब वो हमको सही मार्ग पर चलाना सिखाता है और वहाँ पर हमें स्थायी रूप से वास कराता है। अब हम तीसरे वचन पे जाएंगे, क्योंकि दुष्टों का राज दंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं, धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को धर्मी कहलाना तो पसंद करते हैं कि मैं बहुत परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मैं बड़ी धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करती हूँ, पर इसमें कई लोग सिद्ध नहीं होते, नकली मुखौटा कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। जो यहाँ पे लिखा है, दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर न बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कामों की ओर बढ़ाएं। मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं निष्पाप हूँ और मैंने लंबे समय से कष्टों को, अत्याचारों को देखा है, परंतु जब मैं दूसरों को समृद्ध देखती हूँ, जब मैं दूसरों के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखती हूँ, मैं अपनी धार्मिकता को त्याग देती हूँ, मैं अपने परमेश्वर को छोड़ देती हूँ और मैं उनके चकाचौंध के पीछे मेरी भी भावनाएं जाग उठती है कि काश मेरे भी पास में ये होता, काश मेरे भी पास में वो होता, और हम वो प्रलोभनों में आ जाते हैं, संसार के प्रलोभनों में आ जाते हैं। हम दुष्टों के साथ में जुड़ जाते हैं और धार्मिकता को त्यागते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, परंतु जब संसार की चकाचौंध जब दूसरे के पास में हम देखते हैं, हम अपने आप को दुष्टता के अधीन कर देते हैं। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो धार्मिकता और अधार्मिकता को पहचानता है। मनुष्य चाहे ना पहचाने, मनुष्य चाहे किसी व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास करे कि उसकी आँखें ही ना खुले कि वो मनुष्य क्या कर रहा है, जबकि वो धार्मिक है, जैसे मैं अपने आप को धार्मिक कहती हूँ, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमारी धार्मिकता नष्ट होती चली जाती है और हम चकाचौंध के पीछे जाते हैं, जबकि हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं रखा है परमेश्वर ने, हमको परमेश्वर ने भूखा नहीं सुलाया, हमको परमेश्वर ने कभी भी बीमारी में नहीं रखा, कितनी भी बीमारी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर ने ऐसे अरेंजमेंट हमारे लिए करके रखा है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं, हमको किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं, परंतु हम ऐसे चकाचौंध के पीछे दौड़ चले जाते हैं कई बार। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कामों की ओर बढ़ाएं। तकलीफ तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, जन्मदाता की चीज़ें होती है, वो तकलीफ तो ज़रूर होती है, पर नहीं, वही तकलीफ तो हमको बर्बाद करती है, वही तकलीफ तो हमको संसार की ओर खींचती है। जितना ज़्यादा हमारे पास में धन दौलत आएगा, उतना हम उसके पीछे पीछे भागेंगे, उससे हमारा पेट कभी नहीं भरेगा, संसार की संपत्ति से हमारा पेट कभी नहीं भरेगा। उसके पास में दो घर है, उसके घर में दो गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो एक ही है। हम कंपेयर करने लगते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक पैर एक गाड़ी में और दूसरा पैर दूसरे गाड़ी में रहकर मैं नहीं चला सकती, दो नाव पर मैं सवार नहीं हो सकती, दुचित्ता मन मेरा नहीं चलेगा परमेश्वर को,
किसी एक चीज को हमको त्यागना है, उस दुष्ट कर्म को हमको त्यागना है। हम तो प्रलोभनों के अधीन होकर परमेश्वर के मार्ग को त्याग देते हैं, क्योंकि शैतान इतना चालाक है, ऐसे व्यक्ति को वो नियुक्त करता है कि वो व्यक्ति हमारे सारी अच्छाइयों पे पर्दा डालकर खुद को अच्छा बनके किसके सामने लाता है? परमेश्वर के सामने तो नहीं ला सकता, परमेश्वर के सामने तो वह अच्छा बन के सामने आ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसकी सच्चाई, परमेश्वर जानता है कि ये नरक में है, नरक के गर्त में है। वो मनुष्य को ही धोखा दे सकता है, परमेश्वर को नहीं। और इसलिए हमको वही परमेश्वर को पकड़ना है जो हमें हमेशा संभालता है। धन के पीछे नहीं दौड़ना है हमको, धन तो बर्बाद कर देता है, धन की लालच हमको खत्म कर देती है। पूरा समय हम धन के पीछे लगे रहते हैं, मुझको धन कमाना है, मुझको पैसा कमाना है, मुझको पैसा कमाना है। कुछ लिमिटेड समय हम परमेश्वर के लिए रखते हैं, जबकि 2 घंटा 10 मिनट अगर 10% के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट हमको परमेश्वर को देना है। 24 घंटे में केवल परमेश्वर 2 घंटा 40 मिनट सही हृदय से मांगता है। हमारा ध्यान अगर इधर उधर भटका है और अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। उस समय जब हम बाइबल का पठन करते हैं ना, कई ऐसी विपदाएं हमारे सामने आती है, कई ऐसे प्रलोभन मेरे सामने हुआ है, ये मेरे साथ में हो रहा है आज तक। और जो भी कोई प्रलोभन हमारे सामने आता है ना, उस समय हम थोड़ी देर के लिए विचलित होते हैं। मैं तो इसको कोर्ट में खींच लूँगी, मैं तो इसको ऐसा कर दूंगी, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो यूँ कर सकता हूँ, मेरे तो बड़े बड़े लोगों से पहचान है, मेरे तो बड़े बड़े वकीलों से पहचान है, मैं तो कुछ भी कर सकता। पर मैं कहती हूँ कि ये धन संपत्ति जो है ना, परमेश्वर की दी हुई धन संपत्ति ही हमारे काम आएगी। जहाँ न कीड़ा लगता है, जहाँ न सड़न होती है, जहाँ न काई लगती है और जहाँ न चोरी का डर है, वो संपत्ति हमको चाहिए। यहाँ का डेरा हमारा अस्थिर है, ये हमारे लिए टेंट है। टेंट हमेशा अस्थिर होता है, टेंट को लेकर आदमी दूसरी जगह पे जाता है, वो स्थिर नहीं होता। पर परमेश्वर का मार्ग हमको स्थिर जगह में ले जाता है। वो संपत्ति के पीछे हम भागे, वो संपत्ति को हम पाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा कि दुष्टों का राज धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, कितना भी कुछ कर ले, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कामों की ओर बढ़ाएं, परंतु परमेश्वर फिर भी ऐसे लोगों को अपने पास में लाता है, कोशिश करता है कि वो आत्मा भी बच जाए। परमेश्वर किसी की आत्मा को नाश नहीं होने देता, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम भी ऐसों के लिए प्रार्थना करो, जो अच्छे हैं उसके लिए प्रार्थना करके नहीं, जो डूब गए हैं पाप के गर्त में, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत बातें कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो पैसों के लिए रोते हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनको छोड़ नहीं देना है। अरे वो तो दुष्ट है, नहीं नहीं हम भी वैसी हैं, हमारे भी मन में कहीं ना कहीं दुष्टता चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हम उनके लिए प्रार्थना ना करें, नहीं, हमको उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु उनको नहीं छोड़ेगा ना, प्रभु उनको नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर के लोग हैं भाई, परमेश्वर ने उनको भी तो बनाया है, परमेश्वर तो आखिरी दम तक चाहेगा कि वो बचा ली जाए। आज तक परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का आना इसीलिए तो नहीं हो रहा है, वो तो चाहता है कि हर एक आत्मा उसके पास में आए, हर एक जीभ उसका अंगीकार करे, तब वो इस पृथ्वी पर आएगा। और ये सब बातें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अब
भजन संहिता 73 का 13 और 14 इसी में है, भजन संहिता 73 का 13 और 14। हम एक एक ही वचन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास में है बहुत पर हमारे पास में समय नहीं है। 73, 13 और 14। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है। ये वो हमने जो तीसरा वचन पढ़े उसके ऊपर है ये। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमको हर समय बचाता है, हर समय हमको सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, चाहे हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं, क्योंकि हम उसकी रचना हैं, हम उसके बनाए हुए लोग हैं। हम चौथा वचन जाएंगे जल्दी से। हे यहोवा, भलों को और सीधे मन वालों का भला कर। जो सीधे मन वाले हैं उनको परमेश्वर प्यार करता है, जो हिपोक्रेट नहीं है। 4 और 5 हम दोनों ले लेंगे। जो हिपोक्रेट नहीं है, जो सीधे मन का आदमी है, वो केवल परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाता है, वो केवल परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो केवल परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है। मनुष्यों पे भरोसा रखने वाले का कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हृदय तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और इसलिए हमको इसके लिए सबसे पहले यशाया 57:15 देखेंगे हम। यशाया 57:15-21 एक ही वचन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास में तो समय ही नहीं है। यशाया 57:15-21 क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, इसके बारे में हम सब जानते हैं, इसको हम वो नहीं करेंगे। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। किनके संग रहता है? खेदित और नम्र लोगों के साथ में, हिपोक्रेट लोगों के साथ में नहीं, लोगों के लिए झूठ बोलने वाले लोगों के साथ में नहीं, लोगों को सामने अपने आप को बड़ा अच्छा बताने वालों के सामने नहीं, लालची लोगों के सामने नहीं, गलत बात करने वालों के सामने नहीं, बल्कि खेदित और नम्र लोगों के संग रहता है। नम्र लोगों के हृदय खेदित लोगों के मन को हर्षित करता है। परमेश्वर हमारे मन को हर्षित करता है। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरी बनाई हुई है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। लोभ पाप के कारण मैं क्रोधित होकर दुख दिया, परंतु क्रोध के मारे उसके मुंह को छिपाया, परंतु उसके मनमाने मार्ग से वो दूर भटकता चला गया। मैं उसकी चाल देखते आया हूँ तो भी मैं उसको चंगा करूँगा। जब परमेश्वर उसके साथ है तो हम क्यों उस पे दोष लगा सकते हैं? हम उससे दूर, हम बोलता है परमेश्वर के शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, यानी इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे से प्रेम कर रहा है मैं उससे प्रेम करूं, कोई मतलब नहीं है। अपने प्रेम करने वाले से तो हर कोई प्रेम करता है, हमको तो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम रखना है। जिस तरीके से हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे हमको उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमसे दूर है, जो हमारे विरोध में है, हमको उनके लिए प्रार्थना करता। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ना ऐसा, परमेश्वर खुद कह रहा है ऐसा कि मैं हमेशा क्रोधित नहीं रहूँगा, मैं उसको भटकाऊँगा नहीं, उसकी गलत चाल देखूँगा तो भी मैं उसको चंगा करूँगा, मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूँगा। पुराने नियम में है ये। तो क्या जो हमारे साथ में, ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ में है, क्या हमको अपनी चाल नहीं बदलनी? क्या हमको अपने विचार नहीं बदलने? क्या हम अपने पुराने ढर्रों पे ही चलते रहें? किसी ने अगर मुझको ए बोला तो मैं उसको बे क्यों ना बोलूं? ये बात में हम चलते रहें?
मनुष्य को थोड़ा सा होता है, परंतु थोड़ी देर बाद में हमको पश्चाताप होता है। पश्चाताप का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपने गलतियों को सुधार पाएंगे। तो परमेश्वर, जितने परमेश्वर के नियम पर चलते हैं, चाहे वे खतना किए हुए हो, चाहे वो खतना रहित हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी क्यों न हो, परंतु नई सृष्टि है। परमेश्वर में सब कुछ पुराना पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया है। हम वो नई सृष्टि के लोग हैं। परमेश्वर ने हमारी रचना नई सृष्टि के लिए किया हुआ है, और वे सब शांति पाएंगे, चाहे खतना रहित हो, चाहे खतना वाले हो, चाहे वो पुराने चाल पे चल रहे हो। परमेश्वर सबको नए चाल पे चलाना चाहता है, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो। परमेश्वर सबको पापों से बचाना चाहता है, और ये चाहता है कि हम सब नई सृष्टि में जाएं और शांति को पाएं और अपनी दुष्टता को दूर करें। तब हमको वो शांति मिलेगी जो समझ से परे है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम आपका सच में तहे दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जो ये पिता परमेश्वर आई ओपनर पिता परमेश्वर, जो ये वचन है पिता परमेश्वर, जो हमारी बंद आँखों को खोलता है, हमारी आँखों में दृष्टि है, हमारी आँखों में ज्योति है, पर फिर भी हम परमेश्वर के मार्ग को नहीं देख पाते, परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं समझ पाते। पिता परमेश्वर, वो आँखें ही क्या जो पिता परमेश्वर के मार्गों को ना देख सके, जो केवल और केवल संसार के ऐशो आराम को देखे, संसार के पैसों पे अपना मन लगाए, परमेश्वर उनके लिए दुय्यम हो जाए या कोई स्थान ही ना रखे, वो आज की तो चकाचौंध की जिंदगी को बहुत ही ऐशो आराम से जिएंगे, लाखों की संपत्ति लुटाएंगे, परंतु जो गरीबों के लिए कुछ नहीं करता, जो भूखों के लिए कुछ नहीं करता, जो नंगों के लिए कुछ नहीं करता, तो जो भूखे नहीं हैं, जो नंगे नहीं हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने अपना प्रदर्शन करने से परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए। हम कहेंगे पिता हमने तुझे ऐसा कब देखा, वो कहेगा जो कोई मेरे छोटे से छोटे लोगों के साथ में ऐसा करता है वो मेरे साथ में भी वैसा ही करता है। और परमेश्वर के न्याय को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसने दाहिनी तरफ भेड़ों को रखा और बाईं तरफ बकरियों को रखा। बकरियां दुचित्ती होती है, बकरियां इधर उधर भटकने वाली होती है, पर भेड़ जो है वो मालिक के पीछे, अपने स्वामी के पीछे बिना किसी शक के चली जाती है। उसको अपनी जान की परवाह नहीं रहती, वो बिना किस मालिक पे शक किए उसके पीछे पीछे चली जाती है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम पिता परमेश्वर खाना खाए हुए लोगों को अगर हमने खाना खिला दिया तो हमने अपने अमीरी का प्रदर्शन किया। पिता परमेश्वर ऐसी कई संस्थाएं हैं जो पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है। पिता परमेश्वर ये संस्थाओं के बीच में कभी हम जाके तो देखें कि वो किस तरीके का जीवन जीते हैं,
अमीर अमीर लोगों को भी पिता परमेश्वर उनके बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। उनके जीवन को तो देखें कि वो जितने प्रॉस्परस थे, अपनी संपत्ति पे गर्व था, वो किस तरीके के जीवन को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के साथ में हम उठे बैठे, ऐसे विधवाओं के साथ में हम रहें जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनको हम परमेश्वर की सच्ची राह दिखाएं, उनको हम परमेश्वर के वचनों को सुनाएं। कई ऐसे भूखे लोग हैं, कई ऐसे निर्दयता की जिंदगी को जी रहे हैं, उनके साथ में जाकर हम परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएं, उनके भूख को दूर करें, उनके जीवन में जो ठंडी में परेशानी, गर्मी में परेशानी, उनके परेशानियों को हम सॉल्व करें। इस बात से परमेश्वर हमें आशीष देगा। जो पहना हुआ वस्त्र है वो हमें आशीष नहीं देंगे। जिन्हें इसकी ज़रूरी है, जो नीडी हैं, उनके लिए हम काम करने वाले हों पिता, और वो काम करे कि जो दाहिना हाथ करेगा वो बाएं हाथ को समझने ना पाए, अपनी नुमाइश ना करे, तो ही तो हमें स्वर्ग में उसका प्रतिफल हम पाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए मेंशन तो तैयार करके रखा है, पर वहां जाने के लिए शर्तें हैं। वहां जाने के लिए हमको न्याय से गुजरना पड़ेगा, न्याय के सिंहासन से हमको गुजरना पड़ेगा। न्याय होगा और तब हमें अनंत जीवन या अनंत मृत्यु प्राप्त होगी। और इसलिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह 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 पर हम ये भूल जाते हैं कि रोमन्स 6:1 क्या कहता है। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को सदैव ऐसे लोगों के सामने अपने आप को पेश करें जिन्हें इस वचन की ज़रूरत है, जो वचन का भूखा है, जो वचन का प्यासा है। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ हम बोलते हैं वो ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन्होंने आज तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, परमेश्वर को नहीं जाना, वो ये वचन उन तक पहुँचे। पिता परमेश्वर, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप ही मार्ग निकालेंगे, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल 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 आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम आपके सामने कर रहे हैं, आपके सामने शीश नवाते हुए पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को रख रहे हैं पिता, और हमें पूरा विश्वास है कि ये प्रार्थना के अनुसार हम क्या काम करें और क्या सेवा करें ये आप ही हमें बताएंगे पिता। ये मुझे पूरा विश्वास है पिता, क्योंकि जब मैं मांगती हूँ आप मुझे देते हैं पिता, आप मुझे मार्ग बताते हैं पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको परमेश्वर आप अपनी आशीषों से नवाजिए। उन्होंने जो अपने वक्त को पिता परमेश्वर आपके चरणों में डाला है, उनको पिता परमेश्वर उनके अनुसार उनको प्रतिफल दीजिए। हम यही प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए, अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि उनका जीवन सदा 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 आगे आगे और आगे बढ़ता चला जाए। जो वह मिनिस्ट्री में, जो अनुपम भैया का नाम है, वो जो प्रीचिंग वहाँ करने वाले हैं, परमेश्वर उनके मुख से आप बात करिए, उनके मुख को आप चुन लीजिए, ताकि बोलने वाले अनुपम भैया नहीं बल्कि परमेश्वर उनके मुख से बात करने वाला हो। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको, बहुत 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 धन्यवाद। कृष्णी, आपका एनकरेजमेंट मेरे साथ में हमेशा बना रहता है, और आपको देखकर ही मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि आपके सारे वचन बड़े एनकरेजिंग होते हैं। सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको देखकर मैं सचमुच में स्पिरिचुअली एनकरेज होती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।